तो हम निकले हैं तलाश में एक अच्छे बैकपैक के। इंडिया में अच्छे लैपटॉप बैग्स मिलना या बैकपैक मिलना टफ हो चुका है। मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे एक बैकपैक जो कि मुझे बहुत अच्छी सेफ्टी दे मेरे लैपटॉप को लेके। सेकंड, मुझे बहुत सारे कंपार्टमेंट चाहिए थे, और थर्ड होना चाहिए सुंदर। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में मुझे एक नाम सामने आया, और इसकी बहुत एड्स देखने को मिल रही है मुझे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोकोबारा की, देखते हैं एक बार, लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रहा जी हमारा बैकपैक, इसको खोलते हैं जरा, देखते हैं। ये उठा लिया हमने अपनी घर की देसी कैंची, इसी से खोलेंगे। चलो, पैकेजिंग अच्छी है काफी, मजा आ रहा है देख के। एक बार अंदर से दिखाता हूं, ये रही एक पॉकेट, ये दो, ये पेन रखने के लिए, ये एक और पॉकेट, एक पॉकेट है पूरी की पूरी, और मैं चाबी डाल सकता हूँ इस पे, है ना। सही है भाई, मटेरियल तो अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट। ये एक और पॉकेट है यहाँ पे, तो लैपटॉप तो यहीं आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सेकंड वाली पॉकेट में आईपैड आराम से बैठ जाएगा। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को अच्छा लगा बैकपैक। ये येलो कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा अंदर का, बट ठीक है जो भी है। बाहर से मैंने फुल ब्लैक लिया था, तो ऑल ब्लैक बैग है ये, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी दे रहा है मुझे अभी। बाकी इसको कुछ दिन ट्राई करते हैं, जाते हैं बाहर इस बैग को लेके, फिर आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे कैसा फील हुआ। लेट्स गो। तो ये पार्ट मैं एक वीक के बाद बना रहा हूँ। मैंने इस बैग को काफी दिनों के लिए यूज किया, मैं बाहर भी गया इसको लेके, एक दिन स्टे पे गया, एक दिन मैं ऑफिस भी लेके गया। बट एक चीज बोलूंगा मैं इसमें कि जो बैग का वेट है वो काफी हैवी है, तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं रखा है ना बैग में, तब भी वो हैवी साइड में फील होता है, और मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और एक और चीज बोलूंगा, जितना बड़ा ये बैग आपको फोटोज में लगता है इन लीटर्स, उतना मुझे एफिशिएंट नहीं लगा ये। मुझे लगा कि काफी चीजें इसमें नहीं आ रही। मार्केटिंग बहुत अच्छी है इनकी, क्वालिटी ठीक थी, जैसी मेरे को इन्होंने मार्केटिंग की वो मुझे इसमें फील नहीं हुआ। मेरी वर्डिंग यही है, इसको स्किप कर सकते हो, मैंने तो अपना पैकेज रिटर्न कर दिया है। उसके अलावा मैंने एक और बैग मंगवाया अपने लिए, वो मैं रिवील नहीं करूंगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना डेफिनेटली। टिल देन बाय बाय।